हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग वहां पे जाने वाला है जिनके नाम से ही हम लोग हमारा हर काम शुरू करते हैं। तो शायद आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहां पे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं सीधा जलेबी हनुमान जी के मंदिर पे जाके। तो दोस्तों, ये जो जलेबी हनुमान जी का मंदिर है ना, ये एकदम खुले में है और कई बार इसको इसकी छत बनाने की ट्राई की थी वहाँ के लोगों ने, मगर बन भी जाता है और दूसरे दिन अचानक ही टूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शायद हनुमान जी को पसंद नहीं ये छत वट मंदिर की। तो ऐसे ही खुले में ही है जलेबी हनुमान जी। और जो पेड़ है वो बिली पत्र, इमली और नीम का पेड़ है, तो उससे ही हनुमान जी अपनी छत बना ली है। और एकदम पेड़ भी वैसे ही है जैसे मानो हनुमान जी को छाया देना चाहते हो। कवन सुकाज कठिन जग, माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप सफल ना कर पाओ। और फिर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख देना। हम वचन दे करके कहते हैं, कहीं पर भी असफल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे, ये आशीर्वाद। हमने थोड़ी सी जलेबी भाई वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनमें बांट दी और थोड़ी सी हम लोग ये प्रसाद के लिए ले आए घर पे बांटने के लिए। और बाकी सब पूरा कार्टून वहाँ पे जो भंडारा चलता है ना भाई, वहाँ पे ही दे दिया। तो क्या है भाई, जो लोग आएंगे भंडारे में खाना खाने के लिए तो उनमें बांट दी जाएगी प्रसाद के रूप में। और भाई भंडारा एकदम फ्री है भाई, वहाँ पे कोई भी पैसे वैसे नहीं लेते। तो अगर आप भी वहाँ पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। भाई नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने बिजनेस के बारे में कुछ मांगा था। तो हमारा डीजे का बिजनेस भी है भाई, अच्छा खासा चल रहा है। अगर उस पर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करना, साल का कितना भाई टर्नओवर किया, क्या 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 कुछ नहीं, तो उसके ऊपर मैं एकदम वीडियो अलग से बनाऊंगा। और डीजे के ऊपर ही भाई मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। तो भाई वो भी भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अच्छा खासा चल रहा है, मोनेटाइज भी हो गया और थोड़े बहुत डॉलर भी मिलने लगे हैं। तो बस यही था भाई, आपको अगर जाना है तो जा सकते हो। सूरत से 65 किलोमीटर है और कामरेज से 40 किलोमीटर है, बारडोली से 50 किलोमीटर के आसपास है कुछ, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 35 किलोमीटर है। तो आप लोग जाना चाहते हो तो जाना, बाकी तो क्या भाई आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दें। और भाई कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।